ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों ब्रेक से पहले हमने छह राशियों की बात की थी, चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला राशि और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किस्मत का साथ थोड़ा कम मिलेगा, तो जब किस्मत का साथ कम मिले तो मेहनत ज्यादा करना सीख लीजिए। लक और मेहनत दोनों का परसेंटेज बराबर होना चाहिए, पर कभी एक परसेंटेज कम हो दूसरा ज्यादा हो तो उतना आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो आज हार्ड वर्क की जरूरत रहेगी। व्यापार से संबंधित कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका पक्ष आज आप मजबूत हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी भी बात के सभी पहलुओं को देखने के बाद ही कोई फैसला कीजिएगा। कानों का कच्चा मत होइएगा, हर तरीके से लिहाज से सब कुछ देख भाल के फिर कोई डिसीजन लीजिएगा। पैसों के जो उलझे मामले हैं उनको आज ही सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना खिला। अगली जो राशि वह है धनु राशि। आज यदि आप अपने काम के तरीके में थोड़ा चेंज कर लें, बदलाव कर लें, तो आज के दिन को आप सफल बना सकते हैं। सारे काम आपके फटाफट पूरे होंगे। कई बार आप थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। किसी लंबे प्रोजेक्ट पर हामी भरने से पहले उसके कानूनी पक्षों की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी कार्य में झूठ नहीं बोलने का संकल्प करें। पंडित जी, अंतिम तीन राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुरुषोत्तम जी है जैसलमेर से। इनकी जन्म की तारीख है 27/12/1972। उनके जन्म का समय है सुबह का 6:30 का। पुरुषोत्तम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पुरुषोत्तम जी अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। जी पुरुषोत्तम जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, बोलिए। नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। सर मेरा जन्म तिथि है 27/12/1972 जी। जी हाँ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है साहब? थोड़ा सा मेरा क्या है, धंधा वगैरह सर सही ढंग से नहीं चल रहा है, तनावग्रस्त रह रहा हूँ और धंधे में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। काम कुंडली में ऐसा क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा काम समझे। काम क्या करते हैं आप? सर मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, एसी का। अच्छा, कोई दुकान उकान है आपकी? हाँ सर, घर पे ही है। कोई नाम रख दुकान का नाम रख रखा है? नहीं, अभी तो ऐसे ही वर्बली नाम भार्गव रेफ्रिजरेशन करके रखा हुआ है। भार्गव? अच्छा अच्छा, ठीक है। पहली चीज तो ये है पुरुषोत्तम जी कि जब भी आप अपनी दुकान का कोई नाम रखें तो उसको रखना है एच के ऊपर, हिंदी में हर्षिता वाला ह, इंग्लिश में एच। पहली चीज तो ये है, उससे आपका कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। दूसरी जो समस्या आपकी जन्म कुंडली में, वो मैं आपको बताता हूँ। आपके डिसीजन हाउस में, फिजिकल हाउस में तीन ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य राहु और गुरु। सूर्य राहु जब साथ हो जाता है तो सूर्य ग्रहण योग बन जाता है, राहु गुरु जब साथ हो जाता है तो चंडाल योग बन जाता है। बुरा मत मानिएगा, आपके निर्णय आपके शत्रु हैं। आप आज तक अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आपके निर्णय के कारण। थोड़ा सा यदि आप निर्णय अगर अच्छी तरीके से लेने लगे, कई बार आप समझदार होते हुए भी गलत निर्णय ले जाते हैं, तो थोड़ा निर्णय में सावधानी रखिए। सूर्य राहु का ग्रहण योग पितृदोष बनाता है। घर में पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक परिंदे पे अवश्य जलाइए, आपको बहुत फायदा होगा। साल में एक बार अपने पितरों के नाम का तर्पण कीजिए। खाना बनाते समय आपकी पत्नी को बोलिए कि पूरब दिशा देखते हुए खाना बनाएं, और उसके साथ साथ में आपको एक येलो सफ़ायर पुखराज रत्न अंगूठे के पास वाली फिंगर में गुरुवार के दिन जैसे मलमास खत्म हो 3.25 रत्ती का सोने में धारण कर लीजिए। घर में एक केले का पौधा रखिए, तुलसी का पौधा रखिए। नियमित रूप से केले और तुलसी के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं, जल अर्पण करें, हो सके तो परिक्रमा करें। आने वाला जो वर्ष है 2016 जो शुरू हुआ है, इसमें आपकी बहुत सारी फाइनेंशियल पोजिशन जो है वो ठीक हो सकती है। एक विशेष उपाय और बता देता हूँ आपको, जो आपका अगर हो सके, संभव हो सके तो कर लीजिएगा। शुक्रवार के दिन कौओं को पनीर खिलाइए या गाढ़ी खीर खिलाइए। यदि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजर रहे हैं, पैसों की बहुत किल्लत बनी रहती है, तो शुक्रवार के दिन यदि आप कौओं को खीर खिलाते हैं, पनीर खिलाते हैं, तो बड़े से बड़ा कर्जा दूर होता है। इस उपाय को करिएगा, फ़ायदा होगा।
चलिए अब जानते हैं कि मकर कुंभ और मीन राशि वाले जातकों को क्या करना है आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। तो मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आने वाले समय में आपके करियर में कुछ बदलाव होने के संकेत आपको मिल सकते हैं। ऐसा लगेगा कि आगे कुछ चेंज हो सकता है, तो आज से ही इस दिशा में पॉजिटिव वे में विचार करना भी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि चेंज इज ऑलवेज फॉर बेटर। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का दिल ना दुखाने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वह कुंभ राशि, पॉजिटिव थॉट से आज का दिन आपका अच्छा बन सकता है। भाग्य का निश्चित तौर पर सहयोग मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि, आज सामने आने वाली ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। थकना नहीं है, तनाव नहीं लेना है, अपनी कंसंट्रेशन को भंग नहीं होने देना है। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और पालक खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए दोस्तों पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज का गुड लक टिप। दोस्तों प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव के निमित्त प्रदोष व्रत किया जाता है। यह तिथि जिस दिन पड़ती है उस वार के साथ संयोग कर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आज गुरु प्रदोष है, गुरुवार का दिन है और प्रदोष का व्रत है। कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष व्रत को रखने से दो गायों के दान के समान फल प्राप्त होता है, पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य भी सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, लूट मार मची होगी, अन्याय होगा, अनाचार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव सबसे अधिक होगा और जो व्यक्ति है वह सत्कर्म करने की बजाय नीच कार्यों को अधिक करेगा, उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रखकर शिव आराधना करेगा उस पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। और त्रयोदशी का यानी प्रदोष को व्रत को रखने वाला व्यक्ति जो है वह जन्म जन्मांतर के फेरों में से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। तो आज गुरु प्रदोष का महापर्व है। आज के दिन व्रत रखने से विवाह में हो रही देरी जो है वो दूर होती है, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और वो लोग जो कि कोर्ट कचहरी से परेशान है, मुकदमे से परेशान है, यदि वो चाहते हैं कि मुकदमे में उनको सफलता मिले तो आज गुरु प्रदोष का व्रत अवश्य रखिएगा। पूजन विधि बता देता हूँ आपको। प्रदोष व्रत में बिना जल पिए व्रत रखना शुभ माना जाता है। सुबह स्नान करके भगवान शंकर, पार्वती, माँ पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान करवा कर बिलपत्र चढ़ाएं। गंध चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान शिव को अर्पण करें। शाम के समय पुनः स्नान करके ठीक इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, पूजा करें, षोडश उपचार पूजा करें जिसमें भगवान शिव की 16 सामग्री से पूजा करनी है। भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाना है। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाना है। 8 बार दीपक रखते समय 8 दिशाओं को प्रणाम करें, भगवान भोलेनाथ की शिव की आरती करें, शिव स्तोत्र मंत्र जाप करें, रात्रि में जागरण करें। इस प्रकार समस्त मनोरथ पूर्ति और कष्टों से मुक्ति के लिए जो भी व्रत करने वाले हैं उनको प्रदोष व्रत के धार्मिक विधान का नियम और संयम से पालन करना चाहिए। तो आज के दिन यदि आप प्रदोष व्रत का पालन करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो दर्शकों हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और उन्हें सभी को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।